नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और अपने इष्ट देव के आशीर्वाद से आप बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपके आने वाले एक अच्छे पल से अवगत कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि धन्य हो माता लक्ष्मी, धन्य हो भोलेनाथ और धन्य हो हमारे इष्ट देव जिन्होंने हमें इतने अच्छे मौके दिए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो खुशखबरी अब आप सभी के जीवनकाल में आपको प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों, वाकई में ये आपके लिए कल्पनाओं में बहने की बात होगी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों सुनकर आंखों में आपके आंसू हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सच्चाई इसमें ऐसी है कि सुनकर आपको यकीन दिल से होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो में हम कुछ ऐसे ज्ञान की भी बातें बताएंगे जो कि दोस्तों आपके जीवन के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक मुश्किल परिस्थितियों में यह ज्ञान की बात आपका साथ देगा। तो दोस्तों सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से हम आप सभी को बताने वाले हैं। ग्रहों की गोचर पर निमित्त जो भी ग्रहों की स्थिति होगी उनके अनुसार आज शाम से आप सभी के जीवन काल में जो माँ लक्ष्मी भोलेनाथ संकेत देने वाले हैं, जो खुशखबरी आपको देने वाले हैं, इनसे भी आप अवगत कराने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो आज का यह वीडियो ग्रह गोचर पर निमित्त आप सभी की जीवन शैली के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होंगी। इन्हें अंत तक देखना आपका दायित्व तो होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, इन्हें मानते हैं, दोस्तों कमेंट में जय माता दी जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको इनकी कृपा प्राप्त होगी, जिन काल में आपके अच्छे कर्म बनेंगे और कर्मों का आपको फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवन काल में माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ बहुत ही अच्छा परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहों की बदलती चाल में जब भी ईश्वर का आशीर्वाद आता है तो दोस्तों उनके भक्त को यथासंभव लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। जी हाँ दोस्तों, बातों को बहुत ही ज्यादा गौर से सुने दोस्तों, ये आपके जीवन के सबसे अच्छे पल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे पल को ही गवा देंगे तो दोस्तों ईश्वर भी इनसे नाखुश हो जाता है कि हमारा भक्त ने हमारे इस मौके को ठुकरा दिया। क्यों दोस्तों, ईश्वर ने इस धरती पर सभी लोगों को भेजा है और दोस्तों उनकी गणना वह उनके कर्म से ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो दोस्तों इस धरती पर आपसे बड़े भी इंसान होंगे और आपसे छोटे भी इंसान होंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल देते हैं और उन्हें ऊपर लेके जाते हैं और किसी को नीचे भी लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये जो मौका, ये जो आपको भगवान ने दिशा दिया है, इनमें दोस्तों बहुत ही गहरी तरीके से आप काम करें। जो हम उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपको सावधानियां विशेष बताने वाले हैं, इन्हें आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने। जी दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का जो परम शुभ योग है, यश में निर्मित हो चुका है, जो कि आपकी कुंडली के लिए, आपकी राशि के लिए भाग्य बदलने के कारक माने जाते हैं। तो दोस्तों इनमें आपको कौन सी विशेष सावधानियां रखनी होंगी, और दोस्तों आज शाम से ही ये दो ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ बन रहे हैं। तो दोस्तों शाम से तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु दोस्तों वो कहते हैं कि बैठे बैठे राजा बन जाएंगे। दोस्तों ये बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं। जब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त के हम अच्छे दिन लाते हैं तो दोस्तों उनकी हम परीक्षा भी अवश्य लेते हैं। जी दोस्तों, अगर आपके लिए शाम से शुभ समय है तो दोस्तों इनमें आपको कुछ विशेष बातों का जरूर ही ध्यान रखना होगा, जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सभी बातें आप ध्यान सुनिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं जीवन की एक सबसे बड़ा सच के बारे में। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर भूल से भी कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीर की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक ही इंसान पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान का जो पेट है कभी नहीं भरा। जी हाँ दोस्तों, यह बातों में अगर आपको सच्चाई लगी हो, भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको पसंद आया हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आज शाम से ग्रहों की जो बदलती चाल होगी, भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी के जो परम शुभ योग का निर्माण होगा, आप सभी की कुंडली में, आप सभी के जीवनकाल में, आपके घर के माहौल में, पारियोजन में, स्वास्थ्य करियर में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार होंगे, कौन कौन से विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से बात करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों शुक्र का गोचर होने से यश में आप खुद को हर मौके पर सक्रिय अवस्था में पाएंगे, जिसके चलते आपकी काम करने की जो है समझ में निखार आएगा और आप हर कार्यों को समय से पहले पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव के लेकर बात करें तो समय व फिर परिस्थिति को देखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। अपने घर परिवार के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको यश में कार्यों को पूरा करना चाहिए। माता पिता से संबंध मधुर बनाए रखने की प्रयास करें तथा माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता करें। किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर आप उनका ख्याल रखें। दोस्तों इन दिनों में ये जो समय है आपके लिए इच्छा शक्ति और आत्मबल से परिस्थिति पर विजय पाने का समय होगा। दोस्तों जो स्थितियां आपके लिए अभी विपरीत लग रही है उनमें आप अपने लिए सकारात्मक जो है पल ढूंढ पाएंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनको हैंडल करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। दोस्तों अपनी कोशिशों को थोड़ा और तेज करें और रचनात्मकता दिखाने का यह अवसर होगा। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके प्रयासों की सराहना होगी। आप ये समय अधिक प्रयास करें और बॉस आपके कार्यों की सराहना करेंगे। बॉस आपके काम को देखेंगे और उनसे संतुष्ट भी यश में रहेंगे। दोस्तों ये जो समय है कार्य क्षेत्र के लिए इसमें बहुत ही उत्तम रहेगा। इस दौरान आप मन लगाकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे, आप सही योजनाएं बनाएंगे और सही दिशा में आगे यश में अपना कदम बढ़ाएंगे। वही दोस्तों यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके लिए दिन है कंधों में तकलीफ या फिर दर्द हो सकता है। दोस्तों इन दिनों में संतान के स्वास्थ्य की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों यश में आपका जो है भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। वही दोस्तों यश में ऑफिस में आपकी सृजनात्मकता की खूब प्रशंसा होगी और आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगा। आप अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों द्वारा काम करेंगे परंतु आपका जो मूड है यश में बारंबार परिवर्तित होता रहेगा। परिणाम स्वरूप गुस्से के कारण आपकी जो है पूर्णता के द्वार पर पहुंचता हुआ काम बिगड़ सकता है, यानी दोस्तों काम पर आप पहुंचते पहुंचते यश में आपका काम खराब हो सकता है। इसलिए दोस्तों यश में आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने वाणी पर जो है यश में संयम रखें। गणेश जी भी आपको यश में दिलो दिमाग को काबू में रखने की सलाह देते हैं। वह दोस्तों यश में आपकी धन को लेकर बात करें तो आप भाग्य पर निर्भर होंगे, क्योंकि अन्य लोग आपके कार्यों को पूरा करने के लिए जो है प्रयासों को पहचान नहीं पाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि भाग्य पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि कर्म आपके भाग्य को प्रभावित करता है। अपने ऊपर भरोसा रखने से आप निश्चित रूप से लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे, गणेश जी प्रेरित करते हुए कहते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने प्यार को व्यक्त करने के ख्याल से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। आप उसे अपनों तोहफा द्वारा गदगद कर सकते हैं। दोस्तों यह समय आप पहले अपने पीर की चाहतों को जानें। यदि आप उसके साथ एक जो है दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो समय है आप अपनी जो है साथी का पसंद या फिर नापसंद का ख्याल रखें, गणेश जी ऐसा कहते हैं। वही दोस्तों यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो भाग्य आपके वित्तीय मामलों पर भाग्यशाली रहेगा। खर्चों के प्रति आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सही निर्णय लेने में यह समय मदद करेगा। यह समय आप कुछ भी खरीदने या फिर बेचने के लिए छानबीन करेंगे। वहीं दोस्तों यह समय आप अपने प्रयासों के जरिए वांछित परिणाम भी प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाग्य की देवी आप पर मेहरबान है। दोस्तों आपका मूड एक ऊंचा जो है स्विंग लेगा और स्वास्थ्य यश में ठीक रहेगा। वहीं दोस्तों यश में आधिकारिक और मन बहलाने वाली मनोरंजक यात्राएं आपके लिए सुखद और उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों इन दिनों में आप सकारात्मक रूप आपके लिए जो है आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। यश में बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय आप सावधानी बरतें, ये इसकी जरूरत होगी। दोस्तों यश में आपके दोस्त या फिर सहयोगी कोई बढ़िया योजना बनाकर आपके इन दिनों को खुशनुमा कर देगा। यश में आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। दोस्तों कामकाज के मोर्चे पर आपकी जो है कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोस्तों यश में साफ गोई से अपने मन की बात कहने से आप न घबराएं। वही दोस्तों ये दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमांचक व फिर प्यार से भरा रहेगा। दोस्तों जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी का साथ होगा। वही दोस्तों ये जो समय है आप पीले चावल बनाकर गरीबों को बांटने से जो है आपकी यश में आर्थिक स्थिति है या फिर पहले से भी आपकी आर्थिक स्थिति जो थी उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करें।
पीले चावल बनाकर जो है गरीबों में बांटें। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों यश में संकट से बचने के लिए राहु और केतु ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में दोस्तों यश में आपको काला और सफ़ेद अर्थात एक ही कंबल में दो रंग होना चाहिए, तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों दो रंगी कंबल को 21 बार खुद पर से वार कर उसे मंदिर में या फिर गरीब को दान कर दें। इससे दोस्तों कई तरह के फायदे होंगे और यह उपाय आपके लिए भाग्यशाली होंगे। संकट समस्याओं और आर्थिक तंगियों से इनसे आपको छुटकारा मिलेगी, तो दोस्तों इन्हें आप जरूर अपनाएं, यह आपके लिए भाग्यशाली होंगे। साथ ही दोस्तों और ऐसे अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।